पूरा वर्ड देखिए, इसके लिए ये सबसे इजी है ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी, ठीक है। इस कन्वर्जन के लिए या इसके लिए कुछ लिख सकते हो, इस कन्वर्जन के लिए मतलब ऑक्टल से बाइनरी के, ठीक है, के लिए ऑक्टल डिजिट के ऑक्टल, अरे जो मेरी खानी उसको लिखो, उसका मैं उसको बताऊंगी कैसे। ऑक्टल इसके लिए हर एक या प्रत्येक या ईच, मैं ऑक्टल डिजिट हर एक ऑक्टल डिजिट या संख्या, ऑक्टल संख्या या ऑक्टल डिजिट की जगह पर उसके इक्विवेलेंट, उसके, इतनी इंग्लिश सबको समझ आ रही है, उसके इक्विवेलेंट सारे लोग, उसके इक्विवेलेंट थ्री बिट बाइनरी संख्या लिखी जाती है। थ्री बिट बाइनरी संख्या लिखी जाती है। मैं बता दूँ कैसे, डस्टर मैम देखो जी, रब कर दो इसको, अभी यहाँ पहले सुनो, हमको लेकर खड़े होकर देखो, यहाँ से लेकर कुछ लिखो, जिसको मजा आप दिख रहा है या नहीं ठीक। अब यहाँ देखो, मैंने उसे नहीं बताया था, आपको कन्वर्जन बताया गया, ठीक है। एक पेज, इसी पेज में नीचे एक टेबल बना लो या पीछे बना लो एक टेबल, 8081 4041 2021 1011 कुछ इस तरीके से, जो नहीं 80 मतलब वो डेली यूज होगी, इसलिए उसको एक बार बना बना रखिए तो बहुत सही है। 80 ऐसे आपको 80 इस सीरीज में लिखो, पहले 8 0 8 8 बार 0 8 बार 12 फटाफट लिखो, ठीक है। 80 इस तरह बनाओ, उसमें क्या देखना है, इसमें ना कोई इसे ले लो, जल्दी बना लो, मैं नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, थोड़ा दिमाग यूज किया करो, इसे रखो, उसे वापस वहां से भी देख के बना दिया, क्यों बनानी है, मैं बोल रही हूं जैसे सब लोग बना रहे, तो मतलब ऐसे 8 नंबर काउंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 8 बन, हेलो आंटी किया बच्चों, 80 लिख के फिर इसके नीचे जब 80 का तभी 8 1 हो गया, फिर यहाँ पे लिखो 4 0 4 1 उसी चीज में, पहले 4 0 4 1 पहले समझ लो, एक बार यहाँ देख लो 8 0 8 1 ठीक है, 4 0 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1 जहाँ तक आपने शुरू किया बना रहा है, समझ आ रही थी बात, ठीक है, लिखो बड़े बच्चे से।
तरीके से आ जाएगा ना, आ रहा है, समझ आ रहा है। 8081 लास्ट वन का हो गया, पहले वाले को सेट कर लिया। उसके बाद 4041 जहाँ तक वो लास्ट वन, फिर 2021 2021 2021 2021, ठीक है, फिर 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो लास्ट में आपको 11 पे खत्म हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब आप जो मैं आपको कह रही हूँ वो सुनिए, जब हो जाए सबका, हो गया सबका, अब इसके बराबर में यहाँ पे लिखिएगा, ये 0 के बराबर है, ये 1 के बराबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ, लास्ट 0, लास्ट जो 1 1 1 है वो एफ तक आएगा। अब बताओगे कुछ 0 0 1 1 के बाद 0 0 0 0 और 1 1 1 1, हाँ हो गया बच्चों, डन हो गई है ना, क्योंकि अब सारे कन्वर्जन की इसी की जरूरत पड़ेगी। अब जो मैं कन्वर्जन सिखा रही हूँ, मैंने आपको लिखाया, मैंने आपको ये बोला है कि जब हम ऑक्टल नंबर से, अभी आप सब 9 तक लिख लो उतना सफिशिएंट है, ठीक है, जब आपको ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, ये कन्वर्जन करना है, कोई नंबर है XYZ, कोई भी XYZ आपका नंबर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी। जब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको कुछ भी कोई कहानी गाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कहा था हर कन्वर्जन में एक नई चीज़ हो, ठीक है, तो आपको इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर आपको ऐसा ऑक्टल से आप जब बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो जो ऑक्टल नंबर होगा उस ऑक्टल नंबर की जगह आपको यहाँ से ऑक्टल नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 to 7 तक, ऑक्टल नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 to 7, तो 7 तक देख के उसमें जो भी नंबर आएगा आपका, आपको उसकी जगह बाइनरी यहाँ से उठा के बाहर रख देना, क्या कर देंगे वहां यहाँ से उठा के, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं होती, हल्का टेबल बना लो इसको उठा के और आप यहाँ रख दो, हर एक जैसे 4 था नंबर है 4 6 7 0.28, ठीक है, तो 4 की उठा के बाइनरी इधर रख दोगे, 4 के नीचे, 6 के, 6 के नीचे, 7 के, 7 के नीचे, फिर 0.28, फिर 2 के, 2 के नीचे 8, हो गया आने में बात समझो। ये केवल किसके लिए है, ऑक्टल से बाइनरी। दूसरी चीज, आपकी जो ऑक्टल के अंदर आप शुरू की 3 बिट्स हो, कितनी बिट, 3 बिट्स ऑक्टल में सिर्फ आप 3 बिट हो, क्यों मैं बताती हूँ, जो 8 है ना 8, ये हमेशा 2 के कॉम्बिनेशन में चलते, क्योंकि बाइनरी है सबसे पहला डेस्ट, बाइनरी है, बाइनरी में कितनी होते, मिनिमम बिट कितनी हो सकती है, 2, ठीक है, तो वो क्या है बाइनरी, तो 0 1, तो ये हमेशा 2 के इसमें चलेगा, घात में चलेगा, 2 की पावर में चलेगा, तो 2 की पावर 1 था तो क्या हो गया था, बाइनरी हो गया था, तो फिर डिजिट कितनी आ गई, 0 1, ऐसे ही था, फिर 2 की पावर 2 में 4 में 4, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, 0 1, ये मैं आपको बता दूंगी, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ही रहेगा, मैं ऑक्टल में तो 3 बिट के इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, फिर जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चलोगे, यानी जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चलोगे वहां पे आप 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिखोगे, समझ आई मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है, तो ये चीज क्योंकि मिनिमम बिट आपके क्या हो सकती है, 0 या 1, खाली 0 नहीं हो सकती, खाली 1, कोई भी नंबर सिस्टम आपको मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, 0 या 1 से, और डिजिटल साइड का भी 0 या 1, ऑन या ऑफ, वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट किसी पर काम नहीं करता, ऑन तो लाइट जल जाएगी, ऑफ तो लाइट उठ जाएगी, ऑन तो 0, ऑन तो 1 और ऑफ तो 0, ऐसे ही होता है, तो इसलिए ये हमेशा 2 की घात में चलेगा, ये रीजन है, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आ गया 0 1, फिर 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 0 1 2 3, फिर 2 की पावर 3 कितना आया 8, ये हमारा 1 नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ कहाँ से अपने 0 to 7, तो इसमें मिनिमम बिट कितनी चाहिए, वो ये घात बताए, ये घात बताए, वो नंबर सिस्टम को 2 की घात में लिखे जाओ, 2 की पावर में लिखे जाओ, समझ आएगी बात, ये अब जैसे इसके अंदर है 2 की पावर 2, तो इसमें हमें पता है कि हमें 1 बिट से काम करते हैं, समझ आ रही बात, क्योंकि बाइनरी में होती है 2 बिट है 0 और 1, तो या तो 0 या 1, तो 1 एक ही बिट चाहिए, समझ आने की बात, तो ये घात बताएगी कि वो कितने बिट का होना चाहिए, ये बिट है, ये बिट,
पहली मिनट, दूसरी मिनट, तीसरी मिनट, चौथी मिनट, समझ आ रही थी मैं जिसको हम यहाँ हमेशा दिखाएंगे। आप इसे डिजिट से भी दिखा सकते हो, किसी किसी उसमें वो डी जीरो डी वन डी टू डी थ्री भी लिखा होगा, किसी में बी बी जीरो बी वन बी टू डी थ्री भी लिखा होगा, उस बी का मतलब है बिट। ठीक है बच्चे, बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री, क्योंकि अभी हम कौन सा नंबर सिस्टम कर रहे हैं, ऑक्टल। ऑक्टल का क्या होता है, आठ, आठ टोटल संख्या कितनी हो सकती है, आठ, तो टू की पावर थ्री, तो कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थ्री बिट, थ्री बिट का, सॉरी कितने बिट का, टू की पावर थ्री हो गया ना, तो वो थ्री बता रही है कोई नंबर कितने कितने बिट का कॉम्बिनेशन होगा। अब जैसे मैं चलो इसी के साथ में ये हेक्साडेसिमल के साथ साथ बता दूंगी, हेक्साडेसिमल से थोड़ा बाइनरी में चलूंगी, तो आपको टू की पावर फोर, तो वहां पे पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा। मैं आपको ये दोनों साथ साथ इसे समझाऊंगी कि आपको समझ में, ये देखिए एक तो आपका ये वाला है 467.28, इसको आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन तो ये है पहले समझ लो, और एक क्वेश्चन आपको कुछ ये है 469.28, इसको आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, ठीक है बच्चों। अब देखो अब मैं अब आपको समझ आएगा कि वो बिट क्या है। अब इसमें देखिएगा जरा, जैसे आपका इसमें सेवन है, ठीक है, ये ऑक्टल है तो तीन का कॉम्बिनेशन, मैंने इसे नंबर सेम अच्छा कर दिया, चलो नाइन बन गए, एक तो बाकी दो सारे रिजल्ट से सेम, ठीक है। सेवन के लिए बोले जरा क्या बाइनरी करना है, बोला कॉम्बिनेशन बोल सेवन का, वो तो मैंने ऐसे किया, बताओ सर मैं जीरो वन 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 है, जीरो वन वन, इधर से बोलो इधर से बोलो, इधर देखो वन 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 जीरो, मुझे तो ऐसे याद रखना जीरो वन टेन इलेवन वन हंड्रेड वन और एक सौ ग्यारह इस तरीके से याद रखिए। मैं आपको आपसे बता रहा हूँ मैं टेबल जो बना रखी है, इसमें आप सेवन की देखिए, क्या सेवन की जीरो ट्रिपल वन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तीन बिट की चाहिए, तीन बिट की चाहिए ना, तो वन जीरो का तो कैसे मैं है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वन वन वन, ठीक है। फिर क्या है सिक्स, सिक्स की क्या है वन वन जीरो, तो मैं थ्री बिट की लेंगे, वन वन जीरो। फोर की क्या है वन जीरो जीरो, ठीक है। फिर टू की चलो जीरो वन जीरो, एट की क्या है, एट तो आई नहीं सकती ऐसे अंदर जीरो, क्योंकि ऑक्टल है, मैंने ये लिखा ही गलत है, ऑक्टल में जीरो टू सेवन तक आ सकता है, तो मैं इसको मैं यहाँ पे जीरो खत्म, तो तीन जीरो। आगे मेरे पास समझ डर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आ जाएगा, इसे ऑन तो कर दिया था है ना। अब देखिए ना अभी सारी फोर, अब यहाँ पे फोर मैंने क्या लिया था, तीन तीन का कॉम्बिनेशन था ना, ये किसका है हेक्साडेसिमल का, टू की पावर फोर, तो ये फोर फोर का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये क्या आ जाएगा जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो था, तो फोर आएगा जीरो वन जीरो। आई मेरी बात समझ में आ रही है। फिर सिक्स जीरो वन वन जीरो, फिर नाइन वन जीरो जीरो वन, फिर टू जीरो जीरो वन जीरो, फिर वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ठीक है बच्चे। देख लो ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, इसमें गलत नहीं है, ए नाइन के बाद टेन, हाँ तो टेन के बाद ये आएगा ना, ए टेन के बराबर है ना, नाइन के बाद ए आएगा ना, टेन भी लिखा जाए। आगे मेरी बात समझ, कोई कंफ्यूजन है इसमें, किसी को कोई कंफ्यूजन है वो दीजिए, आगे समझ नोट करना है या रहने दोगे, हो गया चलिए रब करवा दो, इसे रब करो, आओ फिर कर दो, इसे रब करो, बैठ रब करो, मैंने ऑक्टल और हेक्सा साथ साथ बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी तो वही वाला मेथड है जो मैंने तुम्हें पहले बताया था,
लिखो पहले, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले से, इनटू डेसिमल नंबर अगर आपको याद हो, ये मैं करा चुकी हूँ, जिसमें आपने क्या किया था, जिसमें आपको से हाँ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, लिखो जल्द नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ 7125 पॉइंट ए वाला करवा देते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो देखिए ऑक्टल नंबर है तो डेसिमल है, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, क्या किया इसमें आप 7 मल्टीप्लाई बाय जो इसका बेस है ठीक है उससे आप मल्टीप्लाई करते चले गए थे, जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी डेसिमल में आ जाएगी, ये देखिए जिसको नाम करना लगे ये लक्षिता प्रियंका नकुल और प्रभात ये देखिए आ रहे हैं आगे से पूछ रहे दो मिनट में नहीं नहीं लिख लो आप लिखो 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 मैं ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है तो 10 मिनट में हो जाएगा, एक मिनट मैं सोच के रही हूं कर रही हूं, ऑक्टल में से डेसिमल में करना है डेसिमल से ऑक्टल में 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा है आपका 10 1 मल्टीप्लाई बाय 10 2 मल्टीप्लाई बाय 10 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इधर वाला चलेगा प्लस में इधर वाला चलेगा माइनस में, पॉइंट पर स्टार्ट से होगा 0 0 1 2 माइनस वन माइनस टू माइनस फोर ठीक है हो जाएगा बस यही कर आगे समझ यही हो इसी तरह हेक्सा भी हो जाएगा ठीक है और जो हेक्सा वाला है अगर आपको 16 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको डेसिमल ठीक है लेकिन उसमें करना क्या है आपको नंबर वही दिया जाएगा तो कन्वर्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि अगर मैं ऑक्टल में कहूँ नहीं अगर मैं यहाँ एक्सट्रा डेसिमल में नंबर दे दी जीरो से टेन लेकिन आप 8 से 16 में नहीं कर पाओगे क्यों 8 से 16 में क्योंकि कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसमें आपकी वैल्यू एफ तक नहीं जाएगी उसमें ठीक है अगर आपको ये बोले मैं क्या बता रही हूँ मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा थोड़ी सी परेशान हूँ डिस्कस कर रहा चक्कर मैं बताना कुछ चाह रही हूँ बता कुछ मैंने पास अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7125 की जगह मैं ए कर दूँ 0.461 और उसको मैं लिख दूँ हेक्स 8 ऑक्टल तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता भले ही उसने क्या कर रखा हो यहाँ कहा हो कि वो 16 पर कन्वर्ट करो क्यों क्योंकि नंबर तो मैं ऑक्टल में दिया गया है और ऑक्टल में 0 से 7 तक ही हो सकती है संख्या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती समझ आए बेटा जो लोग पहले से आए हैं ना इनको पता है क्योंकि मैंने लेके करवा रखा है अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ मैं इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट तो कर लूंगी लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो कहीं ना कहीं वैल्यू आ ही जाएगी लेकिन अभी तो ये नंबर ऑक्टल में दिया है ना क्वेश्चन तो ऑक्टल में दिया है ना ऑक्टल में ही क्वेश्चन गलत दिया है क्योंकि यहाँ मैंने ए दिया क्योंकि कई बार यही मतलब आपके से क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेटिव में कैसे करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए तो वो छोटी सी चीज चक्कर नहीं होती कि यही मतलब आपका लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑक्टल में आ रही मेरे पास फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता ठीक है तुम्हें कितने दिन हो गए क्लास करते हो नहीं पहले लक्षित आए थे दो दिन आए थे ना तुम अकेले दो दिन तुम अकेले आए हो तीन दिन तुम्हें आते हो गए पाँच आज पाँचवीं क्लास है ना ठीक है नहीं कल की तो छुट्टी भी वैसे तो आज तीसरा दिन है ना दो दिन चार आज चौथी है पांचवी पांचवी नहीं भैया आज पांचवी है आज पांचवी मैं दो दिन लगा चार हो चुकी है ये तो ये पांचवी है ना तुम नहीं आई थी ना वो डेली आई है दो दिन तुमने अकेले लगाई है फिर एक दिन अंचलोर की एक क्लास अंचलोर की हुई है एक या दो हुई है शायद दो की हुई है क्योंकि तुम लेट आए थे एक दिन तुम जल्दी आए थे चार चौथी और आज पांच भी तो नहीं है कम ना करो ज्यादा
आज मेरे पास समझ कन्वर्जन आ रहा ओवर, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मर्जी कीजिए, ठीक है। ना क्वेश्चन समझ आए मेरे से पूछिए, कहीं पर कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे से आपको पूछो, ठीक है। डेली क्लास के अंदर मैंने बता दिया, ठीक है। मेरे से पहले अगर विशाल सर तो कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें तेरी लेक्चर की क्लास ले लूँगी, ठीक है। लेकिन परमर सर की क्लास मेरे आगे पीछे हो, क्यों? क्योंकि डिजिटल पढ़ाने के बाद में, ठीक है, मैं आगे पीछे मुझे उनके साथ ऐसे नहीं मुझे डिजिटल पढ़ाना, मुझे डिजिटल से कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़ाना। अगर दे वॉन्ट टू बी सिट इन क्लास तो दे कैन सिट, बैठने के तो मेरे तरफ से जाए जा सकता हूँ, बच्चा बैठे चाहे मेरे, ठीक है। तो अभी आप बताओ मैं नेक्स्ट टॉपिक करा दूँ या कल करो? अभी करना है, आप करो, करा दो, हेडिंग डालो वन एस वन। आपको दो कॉम्प्लीमेंट्स करने हैं, इसमें भी मैं देखूंगी कि टेनिस कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। मैं आज आपको करवा रही हूँ 1S कॉम्प्लीमेंट, कल कराऊंगी 2S कॉम्प्लीमेंट, क्या भी करूँ। क्या होता है 1S कॉम्प्लीमेंट मैं बताती हूँ। हर एक बिट को आप उल्टा कर देते हो, अगर जीरो है तो वन, ये होता बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और अगर आपको सपोज पहले आप लिख लो, प्रियंका कहीं जाते नहीं हूँ ना, आपको 1S कॉम्प्लीमेंट जब भी करना है वो बाइनरी ऑपरेशन ही होगा पहले, तो यानी अगर वो ऑक्टल में है वो हेक्साडेसिमल में है। बच्चे सुन लो, कैप वाले बच्चे, लिख के कुछ याद नहीं रहेगा, सुन के सब कुछ याद होगा, क्योंकि बुक सबके पास होगी, ठीक है। तो चाहे आप लोगों कोई भी नंबर सिस्टम है, आपको फर्स्टली यू विल हैव टू बी कन्वर्ट इन अ बाइनरी नंबर टू दैट पर्टिकुलर नंबर, आइदर इट इज इन अ हेक्साडेसिमल नंबर और इन अ डेसिमल और ऑक्टल, इसी में भी होगा। पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि 1S कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन ही किस पर बाइनरी पे होता है, बाइनरी सिर्फ दो पे काम करता है, जीरो या वन, है ना। तो देखिए जैसे मैंने नंबर लिखा, अभी मेरे को सिंपल करा दो, ये आपको कोई नंबर आपने क्या
बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन बाइनरी में आप उसको कन्वर्ट किया और फिर सर क्या किया, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही उल्टा है, ठीक है, हमेशा इधर से स्टार्ट करो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, वन जीरो वन वन जीरो वन वन, आगे मेरी बात समझ, उसके बाद में देखो ये किसके बराबर आ रही हूँ, बाइनरी, और ये किसके बराबर आ रही हूँ उसका आंसर, सपोज मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल होता है, एज एन एग्जाम्पल देखो, सपोज ये 9 के बराबर आ रही है और सपोज ये कुछ ई के बराबर आ रही है, तो ये इसका ई नाम डी के बराबर, डी ये वाला और ये ई के, ठीक है, तो आपका आंसर क्या, आगे देखिए 12 से सीधा कन्वर्ट हो गई, आने मेरी बात समझ, क्लियर है बच्चों, यस मैम, प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक, उसके बाद में क्योंकि इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है तो मैं जल्दी से स्टोर निबट रहा है, ठीक है, अब जैसे मुझे कहना हो नेक्स्ट सेकंड डाल दी, इतना सबको समझ आ गया, मैं हमेशा एक बंदा पेन कॉपी कुछ लेके बैठो, सिर्फ अपने दिमाग खुला रखो, जितना सुनोगे उतना समझ आएगा, अभी जब क्योंकि एक बार आपने मुझसे फिर भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे कितना अच्छा भी पढ़ा और चाहे कितना बेकार, ठीक है, अगर आपको समझ आएगा बेसिक तो घर जाते जैसे उसको एक बार देख लोगे तो वो आप अपने हिसाब से ही समझो, हर इंसान की अपनी एक समझने की ट्रिक होती है, चाहे वो कोई कितना भी बढ़िया समझा ले, लेकिन वो आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप उसको एक बार पढ़ोगे, ऐसा हमेशा होगा, ठीक है, अगर मुझे किसी ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो जब तक मैं वो खुद नहीं पढ़ूंगी ना तो वो मुझे नहीं समझ आएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, अच्छा और बेकार होना समझ आना वो अपने से होता है, सिर्फ आप थोड़ा सा लॉजिक ले सकते हैं कैसे कुछ बताया, अब 2s कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके लिए मुझे पहले बाइनरी एडिशन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले 2s कॉम्प्लीमेंट आप समझ लोगे, 2s कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे, जो भी नंबर होगा पहले उसको एल को समझाना, 2s कॉम्प्लीमेंट में आप राइट द नंबर, राइट द नंबर, राइट द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर को पहले आप लिखो, ठीक है, पहले आपको लिखा जो भी नंबर दिया, फिर राइट द बाइनरी ऑफ दैट नंबर, क्या करोगे आप बाइनरी लिखो, एक ही बाइनरी, अगर नेक्स्ट बाइनरी में नहीं दिया है तो, ठीक है, देन 1s कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, उल्टा कर दोगे उसको, बाइनरी लिखने के बाद 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सिर्फ उल्टी कर दोगे, देन एड जीरो, आप उस नंबर में वन को एड, वन को या जीरो वन, आप वन लिखो, वन की बाइनरी क्या होगी, जीरो 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 वन, ठीक है, इसके बराबर जीरो 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 वन एट 001 इन द 1s कॉम्प्लीमेंट आंसर, तो 1s कॉम्प्लीमेंट करके नंबर आएगा आपको उसकी बाइनरी लिखनी, अरे मेरी बात समझ, इस एल्गो को आप नोट करो, फिर मैं आपको बाइनरी एडिशन बता देती हूँ और इसके एग्जाम्पल करा दूँ, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना बस एक एग्जाम्पल के लिए और थोड़ी सी जगह छोड़ के एल्बो लिखने के बाद एक एग्जाम्पल की जगह छोड़ देना, नेक्स्ट टॉपिक करा ली उसके बाद में एग्जाम्पल पे जब करूँगी, ठीक है, इसमें तुम्हारे नंबर भी बहुत बढ़िया आएगी एल्यूमिनिक के लिए, इसलिए कह रही हूँ अच्छे से समझ, और सबसे कम मैनेज वाला सब्जेक्ट है और पेपर 101% होगी, किसी भी कीमत पे पेपर ऐसा नहीं है कि प्रमोट हो जाओगे, 101% पेपर हो गया, क्योंकि आपको पता है वैक्सीन भी आने वाली है और वैसे भी अलाउड हो गया है ऑफलाइन क्लासेस, अब वो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके सब अलग चीज़ें हैं, बढ़े नहीं कर बताओ, अब लिखिएगा हेडिंग डालिएगा, पहले एग्जाम्पल की जगह छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, नहीं बच्चे ये अलग वो है एक्चुअली 2s
कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हमें बाइनरी एडिशन आना जरूरी है, ठीक है। तो वो मैंने आपको ये हेल्प को बता के आपको एग्जाम्पल की जगह शो करती है, तो वो इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए यूज होगा। पहले वो उसकी कहानी नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है, फिर वो नीचे वापस आ रहा है, ठीक है। रिगार्डिंग मैथमेटिकल फंक्शन या गणितीय प्रक्रिया, ये तो आपको इंग्लिश में इतनी आती होगी, ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें आपकी तीन चार चीजें आएंगी, देखो चार चीजें आएंगी मैथमेटिकल फंक्शन में, ध्यान से सुनो। हमारा कंप्यूटर भी यही काम करता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, ठीक है। तो इसका एडिशन ऐसे नहीं होता जैसे हम करते हैं, उस वैल्यू को आपको हमेशा बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिविजन, चार लाइनें, चार चीजें मैथमेटिकल फंक्शन में। बाइनरी एडिशन ऐड कर, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, किसी को इतनी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि जितने बच्चे बैठे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना ज्यादा जरूरी है रेदर देन टू मेक द वीडियो, ठीक है। बाइनरी डिविजन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हरे गांधी बाइनरी एडिशन, हरे गांधी बाइनरी एडिशन, देखिएगा बहुत सिंपल है। जब आपको मैं एग्जाम्पल कराते चले जाऊंगी आपको, क्योंकि ये सारे में यूज होने बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, और पूरी डिजिटल में सिर्फ 0110 यही चलता रहेगा। सबसे ज्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको समझा दिया जाएगा, वो यूज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप फिर प्रॉप्स पढ़ेंगे, आप मेमोरी पढ़ेंगे, इसके अंदर पूरा यही यूज होगा। अब देखिए चारों प्रश्न चार तरीके से हो सकता है, बाइनरी में दो ही चीजें होती है, जीरो या वन, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, देखिए या तो आप 0-0 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, या आप 0 में 1 जोड़ रहे हैं, या 1 में 0 जोड़ रहे हैं, यही हो सकता है, या आप 1 में 1 जोड़ दो, चार कॉम्बिनेशन, या तो 0-0 जोड़ दो या 1-1 जोड़ दो, या तो 0-1 जोड़ दो या 1-0 जोड़ दो, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन लेने का भी तरीका बता रही हूँ जो मल्टीप्लेक्सर में यूज हो, मैं आपको बेसिक्स फ्रॉम करके चले जा रही हूँ, ठीक है। आप एट टाइम कितनी बिट जोड़ रहे हो, दो, बाइनरी का बेसिक क्या होता है, टू, डिजिटल का बेस टू होता है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल दो ही चीजों पर काम करता है, ऑन या ऑफ। तो कितनी स्टेज है, स्टेट कितनी है, स्टेट स्थिति कितनी है, दो, दो अवस्थाएं, दो स्टेट है, तो ये टू इसी को दर्शाता है, ऑन या ऑफ। पहली बात जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना ज्यादा सिलेबस के आगे मूव करोगे चीज़ें आपको और भी क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। मैं आपको उस लेवल से पढ़ा रही हूँ कि आगे आप कोई भी JEE CUET का जो भी JEE का पेपर दोगे या आप BTECH करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिर्फ पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को कितना पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना फाइनली एडिशन अभी भी है और तभी भी है, सिर्फ इसमें मैं एक लाइन ऐड कर दूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं डायरेक्टली कर दूँ 0-0 लिख देना तो आपको वो समझ तो आ जाएगा, लेकिन अगर कोई टेक्निकल उसे अच्छी जगह से पढ़ा होगा तो आपको यही पता लगेगा कि उसका मतलब क्या, वो आया कहाँ से। मेरा सेंस ये है कि 2 मिनट लग जाए, 6 की जगह 8 घंटे लग जाएंगे चीज़ें समझ आएंगे, ठीक है। तो ये दो का मतलब क्या है, स्टेट। तो आपके डिजिटल की सिर्फ दो ही स्टेट होती है, ऑन या ऑफ, ये दो उसको दर्शा। वहाँ मैंने आपको बताया था, गलत वहाँ नहीं बताया था, लेकिन जब नेक्स्ट में जंप किया तो ये और क्लैरिफाई समझ आ गई। पर अब इसमें कितनी बिट आप एट अ टाइम यूज करते हो, टू एट अ टाइम, कितनी बिट, अकेली बिट तो नहीं छोड़ सकते ना, अकेली बिट घटा भी सकते, अकेली बिट मल्टीप्लाई भी कर सकते, अकेली बिट डिवाइड भी कर सकते, तो दो, तो टोटल कितना हो गया, फोर। अरे मेरे पास टू की पावर टू कितना हो गया, फोर, यानी आपने दो बार मल्टीप्लाई किया, टू की पावर टू कितना हो गया, फोर। तो यानी आपके उतने ही कॉम्बिनेशन में क्या बनेगी, उतने ही कॉम्बिनेशन उसकी उतनी ही प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, वो उतने तरीके से जुड़ सकता है। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है, इस टेबल को ट्रुथ टेबल, यानी आप इसको कहीं चेंज भी कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल नाम ही इसका, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ, TRUTH,
अब देखिए जीरो पे जीरो को छोड़ोगे तो क्या आएगा? जीरो जीरो में वन को छोड़ोगे तो क्या आएगा? वन में जीरो को छोड़ोगे वन में वन को छोड़ोगे वन नहीं आएगा वन में पहले सुनो मैं क्यों ये तो बाइनरी है टू कहां से आ गया वन में पहले सुनो वन में वन को छोड़ोगे वन नहीं आ सकता वन में वन को छोड़ोगे टू भी नहीं आ सकता तो क्या है बाइनरी एडिशन में सिर्फ आपको यही याद रखना है जब आप वन में वन को जोड़ते हो वन में वन को जोड़ते हो तो रिजल्ट जीरो आता है रिजल्ट क्या आता है जीरो और एक आपका कैरी आ जाता है दूसरी जगह एक कैरी पास हो जाता है कैरी हासिल समझ आ गया बात जब आप वन में वन को जोड़ोगे तो आंसर जीरो नहीं वो आंसर वन नहीं आ सकता टू भी नहीं आ सकता आंसर क्या आएगा जीरो बन जीरो तो उसका आंसर है और वन उसका कैरी आगे मेरी बात समझिए क्लियर है इतनी बात तो चलिए अब मैं जरा इस एल्गोरिथम से आपको आप उसको नोट करो आंसर इसका जीरो ही आएगा कैरी दूसरी जगह चलता है अभी मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एग्जांपल से बताऊंगी हो गया अब देखो कोई नंबर ले लो टू एस कॉम्प्लीमेंट का मैं अपनी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट कराऊंगी इसके हिसाब से नहीं टू एस कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने कहा जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन वन ऐसे लेना ठीक है इस नंबर का आपको टू एस कॉम्प्लीमेंट लेना ठीक है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी नंबर को वो एक अलग चीज हो जाएगी पहले मैं आपको बेसिक लेके चल रही ठीक है ये आपको कोई नंबर है आपको टू एस कॉम्प्लीमेंट लेना तो पहले आपको क्या करो नंबर लिखा फिर आपने बाइनरी लिखी बाइनरी भी ऑलरेडी है मुझे करने की जरूरत है आप इसका वन एस कॉम्प्लीमेंट दे कैसे हो जाएगा वन एस कॉम्प्लीमेंट वन वन जीरो ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे इसमें जीरो वन को ऐड करोगे तो जीरो वन कैसे ऐड होगा फोर्थ वाला जीरो जीरो और ये हमेशा इधर से स्टार्ट होता है वैसे भी हम ऐसे ही करते हैं सिंपली भी तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं जीरो जीरो हमेशा वन जुड़ेगा किसमें इसमें जुड़ना ऊपर वाले में तो जीरो वन कितना जाएगा ऐड करके वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन ठीक है एक मिनट मैंने यहाँ पे एक मिनट चेंज कर दी वो क्यों कर दी मैं अभी बता दूँ अभी मुझे वन वन चाहिए एक मिनट ऐसे अब देखिए नजर वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मैं कौन मैं एक मिनट एक मिनट अभी कर दी यहाँ देखो अब इसका इससे कर दी मैं टू एस कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली वो मैं वो एडिशन लास्ट वाला बताना चाह रही क्योंकि तीन वाला तो ऊपर ईजी है वन वन वाला बताना चाह रही तो मैं इसकी बाइनरी लिखी यहाँ पे ये तो सही है इस वाले में चेंज हुआ वन 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 ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई नंबर ठीक है आपने क्या किया ये वन वन क्या आएगा मैंने कहा था रिजल्ट जीरो आएगा रिजल्ट जीरो आएगा और यहाँ पे हासिल यानी कैरी ये जो कैरी वन है ये यहाँ पे कैरी आने मेरे पास समझ ये आपका कैरी फिर वन वन जीरो वेरी गुड वन वन जीरो फिर कैरी आ जाएगा वन ठीक है वन वन जीरो और जीरो 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 और कैरी इसके द्वारा यहाँ पास वन हाँ वन 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 आया जीरो जीरो में जीरो ऐड करा जीरो जीरो फिर कैरी वन फिर वन फिर जीरो फिर वन फिर अब एक कहानी और बता देती हूँ अगर मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ जैसे मैं मानूं कि मेरा यहाँ पे भी वन ही होगा कोई नंबर होगा जरूरी है टू एस कॉम्प्लीमेंट बीच में कहीं यूज होगा ना कोई क्वेश्चन जैसे क्या जैसे वन वन क्या हो गया जीरो वन वन जीरो आंसर क्या है इन दोनों का आंसर क्या है जीरो फिर इस जीरो को इस वन में ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर वन वन लेकिन इसका जो कैरी था वो यहाँ जो समझ आएगी मेरी बात कैरी आगे ही हासिल तो हमेशा आगे ही जाता है वो वही के वही नहीं छूट सकता इतना सबको पता है ना कैरी
कैन नेवर बी एड इन दैट सेम प्लेस नंबर, उस सेम प्लेस नंबर से एड नहीं, तो वो आगे पास हो जाएगा हमेशा। किन्हीं दो का रिजल्ट उसके नीचे वाले से क्या होगा, एड होगा या सब्ट्रैक्ट। आगे मेरे पास समझो, ये आपका डोर समझ आएंगे मेरे पास, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी आगे भी स्टार्ट होगा तो फ्लिप फ्लॉप चाहिए, देन यू विल एंजॉय द क्लास। मुझे पता है ना अपनी वाली बात है, नहीं है ऐसा, एक बात को चार बार बताती रहती हूँ तो जिसको समझ आ गया वो इरिटेट हो जाता है कि अभी तीन बार समझ तो आ गया, चौथी बार के उसी को लेके बैठ जाओ। हाँ क्या नहीं समझ आया बताओ, थोड़ा सा एटीट्यूड में तो मैं ऊपर भी बोल रहा था, मैं दस बार इसको भी डांटती हूँ, दस बार इनको भी डांटती हूँ, तुम्हारे से ज्यादा मैं इसको डांटती हूँ, तुम तो एकदम एक्सप्लॉइट हो जाते हो, यू नेवर रिगार्ड नॉट मी, ये सबके साथ ऐसे ही। अगर आपको इतनी सी बात कह दी तो आप हमेशा कार्तिक सॉरी बोल देते, मुझे बताओ कितनी देर की वीडियो बनी 40।